जिस हादसे का खुद मुख्यमंत्री गवाह हो उसका पीड़ित 6 महीने बाद भी मुआवजे के इंतजार में है। सलमान के परिवार वाले उस दिन आहत हो गए जब उनके घर मुख्यमंत्री राहत कोष से सलमान के इलाज के लिए 1,960 रुपए का चेक आया। इस चेक को देखने के बाद घर वाले इतने दुखी हैं कि अब वो उसे लौटाने का मन बना रहे हैं। मैं मेहनत मजदूरी करके इन बच्चों का पेट पालता हूँ और उसके ऊपर खर्चा 8-9 लाख रुपया खर्चा आ चुका है रिश्तेदारों से। और ये जो अपना मकान था ये गिरवी रखा है और किसी से लेके ऐसे कर्जे के अंदर पूरी तरह से डूब चुके। बच्चों के लिए खाने के लिए भी नहीं है अभी, सब कुछ बेच दिए गहने वगैरह। सरकार की तरफ से ये 1960 रुपए का चेक आया। सलमान के पिता की माने तो हादसे के वक्त आए दिन नेताओं का घर में आना जाना लगा रहता था, लेकिन अब तो कोई हालचाल पूछने भी नहीं आता। नेताओं ने तो बहुत आश्वासन दिया, उसके बाद के अंदर उन्होंने आके हमारी खैर खबर भी नहीं ली। ना उन्होंने पूछा कि बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, कोई भी आके हमारे घर के अंदर कोई भी आके नहीं पूछा। हादसे के तकरीबन 6 महीने बाद बिजली विभाग को मुआवजे की याद आई है और अब 3 से 4 दिन में महकमे के अधिकारी 2.5 लाख रुपए का चेक देने की बात कह रहे हैं। डिसेबिलिटी है इसको मानते हुए जो है इसका क्लेम जो है फाइनल कर दिया है। दूसरी जो लेडीज हैं उसको बहुत ही माइनर चोट आई है, उसे किस तरह क्लेम नहीं मानता। उसको बच्चा जो है वो होर्डिंग लगाते हुए जो है आंधी आ रही थी, हवा चल रही थी, मुआवजा तय कर दिया है 2.5 लाख रुपए और उसको जो है अगले 2-3 दिन में उसको भुगतान कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं है, दौरे के दिन ही ये हादसा हुआ था, लिहाजा उन्हें सलमान की हालत से अवगत कराया गया था। बावजूद इसके सलमान के घावों पर नमक छिड़कने के अलावा कुछ नहीं हुआ। सतवीर सिंह के साथ समय राजस्थान, श्रीगंगानगर।